वैसे ये जो अंगूठी है ना, मतलब ये अंगूठी नहीं, अंगूठी इन जनरल भारतीय संस्कृति और श्रृंगार में इसकी बड़ी अहमियत है। जी हाँ, सिर्फ साज सज्जा का काम नहीं है, ये रिश्तों को मजबूत करती है। फिर चाहे वो शादी के बाद कंगना खुलाई की रस्म हो जहां अंगूठी ढूंढनी पड़ती है, या फिर शादी से पहले सगाई की रस्म हो। अब सगाई किसकी हो रही है, नए साल में अंगूठी साथ में सिलेक्ट करने निकले हैं आरोही और अभिमन्यु। लेकिन नयन मटक्का तो अभिमन्यु का अक्षरा के साथ ही चल रहा है। सीरियसली, इस नए साल में भी ना कुछ चीजें बदली नहीं है। और अभिमन्यु को भी देखिए, ये भी वही कर रहे हैं जो बीते साल 2021 में कर रहे थे। जी हाँ, हमारा कहने का मतलब है कि ये 2022 में तो पहुंच गए, लेकिन ये फिर भी सपना ही देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के प्यार में गुम हो गए हैं। अब क्या है ना, आरोही और अभिमन्यु की सगाई होने वाली है, तो भाई इस सगाई में अंगूठी भी तो पसंद करनी है लड़का और लड़की को। अब हीरोइन जब है पास में तो अंगूठी भी तो हीरोइन ही पसंद करेगी। इसीलिए जब अभिमन्यु ने अक्षरा को कहा कि तुम अंगूठी पसंद करो, उसके बाद तो ये दोनों सपने में कुछ इस कदर खो गए कि जैसे लगा ही नहीं कि सगाई आरोही की होने वाली है अभिमन्यु से। अब अंगूठी तो एक दूसरे के लिए ये दोनों ही पसंद कर रही हैं। क्या पता इस सगाई में भी कुछ ऐसा ट्विस्ट आ जाए कि आरोही के जगह अभिमन्यु अक्षरा को अंगूठी पहना दे। वो बात अलग है कि वो सपना भी हो सकता है अभिमन्यु का। कि जितना मतलब जितनी तकलीफ यहाँ हो रही है, कम से कम अकेले नहीं हो रही है, शेयर हो रही है तकलीफ। शेयरिंग इज केयरिंग। पर तुम्हें पता है कि मुझे भी हो रही है? हाँ, दिख रहा है साफ साफ। दोनों को इक्वल, इसीलिए हम एक ही स्टेज पर। मुझे कम शायद, because I have the satisfaction of she is also suffering. अब जहां तक हमने सुना है कि शादी की रस्में सभी अक्षरा के साथ होने वाली है अभिमन्यु की, तो भाई देखते जाइए आगे आगे ये शादी कैसे निपटती जाती है। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।